नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। उत्तराखंड की बात की करते हैं शुरुआत। पौड़ी गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने पोस्ट किया है, जम्मू कश्मीर के तंगधार में जवान शहीद हुए हैं। चमोली के निवासी जवान दीपेंद्र कंडारी शहीद। दीपेंद्र कंडारी के शहीद होने पर अत्यंत दुखद है। अब ऐसे में अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक ये घटना है। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दीपेंद्र कंडारी के शहीद होने पर अत्यंत दुख है, अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक की घटना है। ये तमाम बात सांसद अनिल बलूनी की तरफ से पोस्ट करते हुए कही गई है। और पौड़ी गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी की तरफ से पोस्ट किया गया, जो जम्मू कश्मीर में आज मुठभेड़ देखने को मिली। जम्मू कश्मीर के तंगधार में हमारा जवान शहीद हो गया, और इसे लेकर ये पोस्ट किया गया है और कहा कि ये दुखद समाचार प्राप्त हुआ, इसे सुनकर बेहद दुख हुआ है, हृदय विदारक की घटना है। दीपेंद्र गंडारी के शहीद होने पर बेहद साता दुख है। मानसून सत्र की तैयारियों में जुटी सरकार। सत्र में 6 से ज्यादा विधेयक पेश कर सकती है सरकार। लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक पेश कर सकती है सरकार। यह बड़ी खबर। सत्र के लिए विधायकों ने अब तक 488 प्रश्न लगाए हैं। गैरसैंण में विधानसभा का मानसून सत्र होगा। उपद्रवियों से क्षति की वसूली पर भी कार्रवाई हो सकती है, और वसूली के विधेयक पर मानसून सत्र में अब मोहर लग सकती है। ये कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। तो सत्र के लिए विधायकों ने अब 488 प्रश्न यहां पर लगाए हैं, जो पूछे जाने हैं। गैरसैंण में विधानसभा का मानसून सत्र देखने को मिलेगा। मानसून सत्र की तैयारियों में सरकार जो है वो जुटी हुई है, और जो यहां पर प्रयास है सरकार की तरफ से वो मुकम्मल कर लिए गए, तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। तो 488 प्रश्न यहाँ पर लगाए गए हैं विधायकों की तरफ से, और गैरसैंण में बताया जा रहा है कि ये विधानसभा का मानसून सत्र होगा। इसमें 488 प्रश्न विधायकों की तरफ से लगाए गए हैं। मानसून सत्र को लेकर तैयारियों में जुटी है सरकार। तैयारियां बताया जा रहा है कि लगभग मुकम्मल कर ली गई हैं। विधानसभा सचिवालय तैयार है और हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे अफसर वहाँ जाकर देख कर आ गए, सब सारी व्यवस्था सुदृढ़ है, और सवाल भी आ रहे हैं माननीय सदस्यों के, और करीबन 488 सवाल अब तक आ चुके हैं। तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। बार इस बात को बोलती हूँ, और अब शायद विपक्ष को भी इस चीज़ को समझना होगा कि अगर सत्र चलता है तो टैक्स पेयर के पैसे से चलता है। कोई हम इसलिए नहीं चलाते हैं क्योंकि हमको चलाना ही चलाना है और दिखाना है कि हम 6 दिन चला रहे हैं या 6 हफ्ते चला रहे हैं। जो बिजनेस हमारे पास है या सरकार के पास है, और जो बिजनेस सरकार लेकर आती है, उसी हिसाब से दिन तय होते हैं। टैक्स पेयर का हार्ड अर्न मनी, हम सबका बहुत मेहनत की कमाई से सत्र चलता है या सदन चलता है, तो उतना ही चलाया जाएगा जितनी उसकी आवश्यकता। हरीश कनेडा हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। और हरीश, अगर बात करें विधानसभा के मानसून सत्र की, तो बताया जा रहा है कि 488 प्रश्न लगाए गए, हंगामेदार रह सकता है मानसून सत्र। हरीश, सुन पा रहे हैं आप? तो हमारे संवाददाता हरीश कनेडा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हरीश, आवाज़ मिल पा रही है आपको? तो चलिए फिर से आपने संवाददाता से जुड़ने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। किसी तकनीक में खामी के चलते बताया जा रहा है कि संपर्क अभी फिलहाल नहीं हो पाया। उत्तराखंड में अब विधानसभा सत्र को लेकर तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। अब ऐसे में इन तैयारियों के बीच देखने की बात यह है कि जनता के हित की कितनी बात यहाँ पर होती है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यही है कि विधानसभा सत्र के दौरान जनता के हित में क्या निर्णय लिए जाते हैं, निष्कर्ष क्या लिया जाता है। अब ऐसे में निष्कर्ष जो देखने को मिलेगा, क्या जनता को उससे कितना लाभ होगा, ये भी इसमें देखने की बात होगी। सत्र के लिए अब सचिवालय भी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है। अब ऐसे में अगर बात की जाए मानसून सत्र को लेकर, तो तैयारियां बेहद ज़्यादा तेज़ हैं। हर तैयारियाँ लगभग बताया जा रहा है कि सरकार की तरफ से मुकम्मल कर ली गई हैं। 21 से 23 अगस्त के बीच ये सत्र का आयोजन रहेगा, और मानसून सत्र को लेकर तैयारियां बेहद तेज़ हैं। सरकार की तरफ से लगातार सभी तैयारियां पूरी करने को लेकर बात भी कही जा रही है। तो 488
88 प्रश्न यहाँ पर विधायकों की तरफ से लगाए गए हैं, जो कि पूछे जाएंगे। अपने अपने क्षेत्र से जुड़े हुए प्रश्न होंगे, जनता के सरोकार के प्रश्न होंगे। तो हरीश खनेड़ा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। हरीश, आवाज मिल पा रही है आपको? जी हरीश, अगर बात करें मानसून सत्र को लेकर तो तैयारियां बेहद तेज हैं। एक तरफ सरकार है, सरकार अपना पक्ष रखेगी, तो वहीं विपक्ष के पास कुछ जवाब होते हैं सरकार की तरफ से, वो देखने को मिलेंगे कि विपक्ष को संतुष्ट करेंगे या नहीं। लेकिन यहां पर महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जनता के लिए निष्कर्ष में निकलेगा तो क्या निकलेगा, क्या तैयारियां देख रहे हैं आप मानसून सत्र को लेकर? देखिए बसंत, सरकार की पूरी तैयारी है, विधानसभा सचिवालय की तरफ से पूरी तैयारियां हो चुकी है, कैसे में और वहाँ पर विधानसभा का सत्र किया गया है, आहूत किया गया है और सभी जो तैयारियां हैं वो हो चुकी है, ग्राउंड लेवल तक भी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। और इसके अलावा अगर हम मानसून सत्र की अगर बात करें बसंत, तो लगभग यहाँ पर 400-700 जो प्रश्न है वो कुल दिए गए हैं और उसके बाद जो इसमें जो विपक्ष की तरफ से जो प्रश्न है वो रखे गए हैं। इसके साथ ही जो सत्ता पक्ष है वो भी अपने जवाबों की तैयारी कर रहा है और निश्चित तौर पे क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं विपक्ष की तरफ से जो सरकार को घेरने के लिए काफी होंगे, खासतौर पर महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है और इसके अलावा शिक्षकों की नियुक्ति का मामला है, फार्मासिस्टों की जो नियुक्ति का जो मामला है वो भी इस विधानसभा सत्र में रखा जाएगा। इसके अलावा कई गाँव में समय जो मानसून के दौरान जो आपदा आपदा जैसी स्थिति आई है वहाँ पर सिंचाई विभाग है, जलवायु विभाग है, तमाम ऐसे विभाग हैं उनकी भी उनके भी द्वारा जो प्रश्न है वो भी जो विपक्ष के जो विधायक है उनके द्वारा रखे जाएंगे। तो जाहिर सी बात है क्योंकि विधानसभा का मानसून सत्र होना है तो इसमें तमाम प्रश्न यहाँ पर रखे जाएंगे। सिंधु कंदूरी जो विधानसभा अध्यक्ष है उनसे हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा कि सभी जो तैयारी है विधानसभा लेवल पर वो हो चुकी है, ग्रासरूट पर जो तैयारी है वो बिल्कुल पूरी हो चुकी है। उसके अलावा गैलसैंड की अगर बात करें तो गैलसैंड या जिला चमोली की अगर बात की है तो चमोली है वो भी लगातार अब मौके पर पहुंच रहे हैं। विधानसभा जो 3 दिवसीय जो सत्र है उसको लेकर के पूरी तरह से तैयार है, 21-22 वक्त की आयुष यानी कांग्रेस में बिल्कुल। हरीश, यहाँ पर सत्ता पक्ष की तरफ से हालांकि अपनी बात रखी जाएगी, जो सवाल विपक्ष की तरफ से पूछे जाएंगे उनका जवाब देना जिम्मेदारी भी होती है सत्ता पक्ष की और देता नजर भी आता है हर बार, लेकिन यहाँ पर यह बात कही जा रही है कि विपक्ष के पास अब मुद्दों की कमी नहीं है। विपक्ष लगातार ये कहता नजर आया कि मानसून सत्र के दौरान हमें घेराव करना है सत्ता पक्ष का और ये बेहद कम समय है, इतने कम समय में जनता के मुद्दे जो हैं वो एक अच्छे तरीके से विधानसभा के पटल पर हम रख नहीं सकते, तो इसकी अवधि जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। तो अभी फिलहाल जो प्रमुख मुद्दे उत्तराखंड में आप देखते हैं वो कौन कौन से हैं जो जनता से के हित के जुड़े हुए हैं और साथ ही विधानसभा में उठने भी चाहिए, विपक्ष जिन्हें लेकर सत्ता पक्ष की घेराबंदी कर सकता है? देखिए बसंत जी, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के विपक्ष कहीं ना कहीं सवाल कर रहा है और खासतौर पर विपक्ष की अगर बात करें तो चाहे वो फार्मासिस्टों की नियुक्तियों का मामला हो, इसके अलावा डॉक्टरों की नियुक्तियों का मामला हो या फिर साथ ही साथ जो शिक्षकों की नियुक्तियों का मामला हो, तमाम ऐसे बेरोजगार जो युवा हैं वो सड़कों पर हैं और उसको लेकर के कहीं ना कहीं विपक्ष ये रणनीति बना रहा है कि चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो और महिला सुरक्षा का मामला हो, समान चीजों को लेकर के विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का प्रयास करेगा और ऐसे में सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया जाएगा इसमें। इसके अलावा हम जन सरोकार से जुड़े जो मुद्दे हैं खासतौर पर एरिया है वहाँ पर जो लोगों को जो चारा पत्ती के लिए दिक्कतें होती हैं उन सभी चीजों को भी लेकर के विपक्ष वहाँ पर सवाल उठाएगा। इसके अलावा जो हम उन जगहों की बात करें जहाँ पर समय आग देखी गई थी और बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई थी, हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लगातार उन जगहों पर जाया गया, चाहे वो केदारनाथ में हो, चाहे वो चंपावत में हो या फिर हम हल्द्वानी क्षेत्र की बात करें, हल्द्वानी में आपने देखा कि खुद मुख्यमंत्री मौके पे थे और ग्राउंड तक पहुंच करके जीरो ग्राउंड से केदारनाथ से जो यात्री फंसे थे और जो स्थानीय लोग की जो मदद की तरफ से सरकार जो वहां पर मदद के लिए पहुंची थी खुद मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे। टिहरी जिले में आपने देखा कि मुख्यमंत्री ग्राउंड लेवल पर जाहिर सी बात है क्योंकि युवा मुख्यमंत्री वो लगातार सरकार के जो मुखिया हैं और काफी जोशी थे मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हैं और लगातार इन जगहों पर जाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इन सभी चीजों को लेकर के भी विपक्ष एक सवाल यहाँ पर तैयार कर रहा है और दूसरी तरफ जैसे मैंने बताया कि चाहे महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, तमाम ऐसे विभाग हैं जहाँ पर इस समय नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं,
चाहे वो एजुकेशन की बात करें या हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें, इसको लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार को घेरने के लिए भी रणनीति तैयार कर रहा है। दूसरी तरफ जो सवाल है, छोटे छोटे जो गांव है, कस्बे हैं, वहां पर जो दिक्कतें लोगों के सामने हो रही हैं, चाहे वो बटिया है, चाहे वो सड़क मार्ग है, चाहे वो पेयजल की समस्या हो, बिजली की लाइने की समस्या हो। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जोड़े, आप महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, तथ्यों के साथ जानकारी आपने रखी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उत्तराखंड में मॉनसून ने एक बार फिर से अब जोरदार पकड़ अपनी बना ली है। अब ऐसे में मॉनसून की अगर बात करें तो मौसम विभाग केंद्र की तरफ से अब 3 दिनों के लिए अधिकांश जिलों में 1 से 2 दौर की तेज बारिश के साथ साथ पूर्वानुमान भी जताया गया है कि तेज बारिश हो सकती है। चमोली और बागेश्वर में भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर अब ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। अन्य जिलों का भी हाल क्या है हमारे इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड, 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मलबा आने से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, रेस्क्यू ऑपरेशन और मलबा हटाने का काम जारी। सरयू, काली और गौरी नदी का जलस्तर बढ़ा। भूस्खलन के चलते चार धाम यात्रा मार्ग बाधित। उत्तराखंड में जब भी मॉनसून आता है तो अपने साथ उत्तराखंड के लिए भारी बारिश के साथ साथ तबाही भी लाता है। इस साल का मॉनसून उत्तराखंड के लिए आफत लेकर आया। मौसम विज्ञान केंद्र ने 3 दिनों के लिए अधिकांश जिलों में 1 से 2 दौर की तेज बारिश के होने का पूर्वानुमान जारी किया। चमोली और बागेश्वर में भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जबकि देहरादून सहित अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पर्वतीय क्षेत्रों की यात्रा पर जाने वाले लोगों से एहतियात बरतने की अपील की। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। कुमायूं मंडल के बागेश्वर जिले में तीव्र वर्षा हो रही है। रविवार को भी जिले में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग की ओर से प्रदेश में अगले 48 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की तरफ से जारी की गई जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड में अगले 48 घंटे में भारी बारिश की संभावना है। राज्य के 5 जिलों में अतिवृष्टि होने की संभावना, इनमें चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जनपद है। इन जिलों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। इन जनपदों में ज्यादा बारिश से बाढ़ और भूस्खलन का खतरा पैदा हो सकता है। इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने कहा कि उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में भारी बारिश का पूर्वानुमान बताया। इससे राज्य के कई जिलों में बाढ़ और भूस्खलन का खतरा देखने को मिल सकता है। विशेष रूप से उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई। मौसम विभाग ने नागरिकों को सतर्क रहने और आपातकालीन स्थिति में मदद के लिए स्थानीय प्रशासन से संपर्क करने की सलाह दी है। कहीं जो लोग आवागमन कर रहे हैं बहुत सावधानी रखें, रास्ते बंद हो गए कहीं कहीं पर, इन डिस्ट्रिक्ट में खासकर जहाँ पे भारी से बहुत भारी वर्षा है, या इसी तरह घाट गदरों में भी पानी बढ़ेगा, तो जो लोग उसके आसपास रह रहे हैं या जो लोग इसमें क्रॉस करने या इस तरह की जो पार करने की जो नदी नालों को, वो कोशिश ना करें तो कहीं ना कहीं चपेट में आते हैं। इसी तरह जो लैंडस्लाइड जोन है उनके आसपास रह रहे हैं उनको भी काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो कलर पर्सन जो एक्टिविटी वेदर की वो बढ़ेगी, तो यही मैं अभी कहना चाहूँगा। नमस्कार। गौरतलब है कि उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग, सिंचाई विभाग, NDRF और SDRF की टीमें भी संवेदनशील जिलों में अलर्ट मोड पर हैं। राज्य के संवेदनशील और संभावित इलाकों में SDRF की टुकड़ियों को तैनात किया गया, जो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पहले से ही तैयार है। मैदानी इलाकों में नदी नालों के पास रहने वाले लोगों को सतर्क करने के लिए उत्तराखंड पुलिस भी लाउडस्पीकर के माध्यम से जारी दे रही है और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील कर रही है। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश ने कई इलाकों की सड़कें क्षतिग्रस्त कर दी, जिनसे लोगों को काफी परेशानियां हो रही है। चारधाम यात्रा के कई मार्ग बंद पड़े हैं। सड़कें खोलने के लिए जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर काम करा। मौसम विज्ञान केंद्र ने 3 दिनों के लिए अधिकांश जिलों में 1 से 2 दौर की तेज बारिश के होने का पूर्वानुमान जारी किया। चमोली और बागेश्वर में भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जबकि देहरादून सहित अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पर्वतीय क्षेत्रों की यात्रा पर जाने वाले लोगों से एहतियात बरतने की अपील की।
उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। कुमायूं मंडल के बागेश्वर जिले में तीव्र वर्षा हो रही है। रविवार को भी जिले में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग की ओर से प्रदेश में अगले 48 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की तरफ से जारी की गई जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड में अगले 48 घंटे में भारी बारिश की संभावना है। राज्य के 5 जिलों में अतिवृष्टि होने की संभावना, इनमें चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जनपद है। इन जिलों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। इन जनपदों में ज्यादा बारिश से बाढ़ और भूस्खलन का खतरा पैदा हो सकता है। इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने कहा कि उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में भारी बारिश का पूर्वानुमान बताया। इससे राज्य के कई जिलों में बाढ़ और भूस्खलन का खतरा देखने को मिल सकता है। विशेष रूप से उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई। मौसम विभाग ने नागरिकों को सतर्क रहने और आपातकालीन स्थिति में मदद के लिए स्थानीय प्रशासन से संपर्क करने की सलाह दी है। कहीं जो लोग आवागमन कर रहे हैं, बहुत सावधानी रखें, रास्ते बंद होंगे कहीं कहीं पर, इन डिस्ट्रिक्ट में खासकर जहाँ पे भारी से बहुत भारी वर्षा है, या इसी तरह घाट गदरों में भी पानी बढ़ेगा। तो जो लोग उसके आसपास रह रहे हैं या जो लोग इसमें क्रॉस करने या इस तरह की जो पार करने की जो नदी नालों को, वो कोशिश ना करें तो कहीं ना कहीं चपेट में आते हैं। इसी तरह जो लैंडस्लाइड जोन है उनके आसपास रह रहे हैं, उनको भी काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो कलर पर्सन जो एक्टिविटी वेदर की, वो बढ़ेगी, तो यही मैं अभी कहना चाहूँगा। नमस्कार। गौरतलब है कि उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग, सिंचाई विभाग, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी संवेदनशील जिलों में अलर्ट मोड पर हैं। राज्य के संवेदनशील और संभावित इलाकों में एसडीआरएफ की टुकड़ियों को तैनात किया गया, जो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पहले से ही तैयार है। मैदानी इलाकों में नदी नालों के पास रहने वाले लोगों को सतर्क करने के लिए उत्तराखंड पुलिस भी लाउडस्पीकर के माध्यम से जारी दे रही है और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील कर रही है। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश ने कई इलाकों की सड़कें क्षतिग्रस्त कर दी, जिनसे लोगों को काफी परेशानियां हो रही है। चारधाम यात्रा के कई मार्ग बंद पड़े हैं। सड़कें खोलने के लिए जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। संवेदनशील जिलों में अलर्ट मोड पर ये टीमें, आपदा प्रबंधन विभाग, सिंचाई विभाग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ। उधर पिथौरागढ़ और बागेश्वर में रामगंगा, सरयू, काली और गोरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। उद्धम सिंह नगर में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। प्रदेश भर में बारिश की वजह से भूस्खलन हो रहा है, राजमार्ग लगातार बाधित हो रहे हैं। वहीं यमुनोत्री में भी कृष्णा चट्टी में भू कटाव होने से खतरा बना हुआ है। यमुनोत्री धाम और आसपास लगातार बारिश की वजह से जानकी चट्टी, फूल चट्टी के बीच कृष्णा चट्टी में यमुना नदी के कटाव से एक कच्चा ढाबा यमुना नदी में बह गया। आगे हालात और कितने खराब होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र। बात करते हैं नैनीताल की। नैनीताल दरारों की जद में आ गया है। अब तो नैनीताल की दीवारों से भी लैंडस्लाइड हो रहा है। जी हां, पहाड़ियां टूट रही हैं। किसी भी समय यहां पर बड़ी आपदा आने को है। नैनीताल खतरे में है। देखिए रिपोर्ट।
खूबसूरत नगर है जो तीनों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में मल्लीताल की ओर नैना पीक की ऊंचाई है, जबकि एक ओर आयारपाटा और दूसरी ओर शेर का डांडा पर्वत है। नगर की नींव बलिया नाला के किनारे स्थित है। हाल ही में इन तीनों पहाड़ियों में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं, जो नैनीताल के लिए एक चिंता का विषय बनी है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार नैनीताल की भार सहने की क्षमता खत्म हो चुकी है। अगर यहाँ पर किसी भी तरह का निर्माण पूरी तरह से नहीं रोका जाता है तो शहर धस जाएगा। नैनीताल के टिफिन टॉप पर लैंडस्लाइड, इतिहास के पन्नों में गुम हुई दोरोथी सीट। हैरानी की बात यह है कि नैनीताल के कई महत्वपूर्ण इलाकों में बड़े बड़े भूस्खलन हो चुके हैं। अब नैनीताल की खूबसूरती में चार चांद लगाने वाले 2292 मीटर की ऊंचाई पर स्थित फेमस पर्यटक स्थल टिफिन टॉप का दोरोथी सीट भी अब धराशाही हो चुका है। भारी बारिश इस तरह से खो गया, पहले इसमें दरारें आई और उसके बाद जब सुबह लोगों ने देखा तो उसका नामो निशान मिट चुका था। नैनीताल की खूबसूरती का अहम हिस्सा है टिफिन टॉप। नैनीताल का टिफिन टॉप, जिसे डोरोथी सीट के नाम से भी जाना जाता है, नैनीताल के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक। समुद्री तल से 2290 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह स्थान नैनीताल की खूबसूरती का एक अहम हिस्सा माना जाता है। इस जगह से लोग नैनीताल की वादियों को निहारते थे। यहाँ से नैनीताल और आसपास के क्षेत्र मनमोहक दिखाई देता, जो अपनी ओर आकर्षित करता है। नैनीताल के होटल व्यवसाय से जुड़े कमल जगाती कहते हैं कि पर्यटक जब यहाँ पर घूमने आते हैं और पूरा पैकेज लेते हैं तो उस पैकेज में एक स्पोर्ट में ये भी होता था। यहाँ पर खड़े होकर लोग सेल्फी लेते थे, नैनीताल के सफर को यादगार बनाते थे, यहाँ पर नजारे को देखते थे। लेकिन अब यह स्थल गायब हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें जनतंत्र टीवी। नमस्कार।